क्या आपको पता है बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की पहली फिल्म कौन सी थी? संजय दत्त की पहली फिल्म थी रॉकी। इस फिल्म को संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने ही डायरेक्ट किया था, लेकिन फिल्म के थिएटर में रिलीज होने से 3 दिन पहले संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की मौत हो गई थी। नरगिस दत्त को पैनक्रियाटिक कैंसर था। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो इस फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनीम को कुछ लड़कों ने भद्दे कमेंट किए थे। संजय दत्त ने उन लड़कों को पीटा था और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। इस फिल्म में अनिल कपूर ने भी संजय दत्त के फ्रेंड के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनकी जगह संजय दत्त के दोस्त के रोल में गुलशन ग्रोवर को सेलेक्ट किया गया था। इस फिल्म का जब प्रीमियर हुआ था तो एक सीट नरगिस दत्त की याद में खाली छोड़ी गई थी। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी, जिनके साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद संजय दत्त ने रिया पिलाई से शादी की। रिया पिलाई एक फेमस मॉडल हैं, जिन्हें 2003 में वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। आपको बता दें कि संजय दत्त से पहले रिया पिलाई ने अमेरिकी निवासी माइकल वेस्ट से 1984 में शादी की थी। साल 1994 में डाइवोर्स के बाद रिया पिलाई ने 1998 में संजय दत्त से शादी की थी। इसके बाद संजय दत्त और रिया पिलाई का 2008 में डाइवोर्स पब्लिक हो गया। डाइवोर्स की सेटलमेंट की शर्तों को लेकर रिया पिलाई को क्रिटिसाइज करते हुए मिडडे और टेलीग्राफ में आर्टिकल छपे थे। साल 2000 में रिया पिलाई लिएंडर पेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी और दोनों की एक बेटी भी हुई थी साल 2005 में। 2014 में रिया पिलाई ने लिएंडर पेस पर मारपीट के इल्जाम लगाए थे। इस केस में कोर्ट ने लिएंडर पेस को 2022 में गिल्टी पाया था। खैर, रिया पिलाई से डाइवोर्स के बाद संजय दत्त ने साल 2008 में दिलनवाज शेख उर्फ मान्यता दत्त से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।